नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार शर्मा पुनः आपके सामने श्री द्रोणाचार्य क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए मित्रों, लगातार हम जो ये वीडियो डाल रहे हैं आपके सामने, हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि कोचिंग संस्थान के अंदर ना पहुंचकर भी आप घर बैठे भी ज़्यादा से अच्छा मैटर आप प्राप्त कर सकें और उसके अनुसार अपनी जो भी स्टडी आपकी चल रही है, जिस भी एग्ज़ाम को लेकर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उस एग्ज़ाम को आप अचीव कर सको, अपने गोल को प्राप्त कर सको। इसी सिलसिले के अंदर हम सब, मैं और मेरी टीम आपके सामने ये प्रयास कर रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में मैं आगे चलते हुए बात करता हूँ। भारतीय संविधान की अपन ने चर्चा की थी, पिछले वाले क्लासों के अंदर अपन ने संवैधानिक विकास की बात की थी। जो भारत का संवैधानिक विकास अपन पढ़ रहे थे, तो संवैधानिक विकास में अपन ने 1600 ईस्वी के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से अपना जो कार्यवाह है वो शुरू किया था, और उसके बाद में धीरे धीरे चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला आते हुए 1858 से फिर ब्रिटिश शासन जो है, या कापड़ कहें कि ब्रिटिश महारानी जो है उसका शासन भारत के अंदर प्रारंभ हो गया था। तो उसी श्रृंखला में आगे चलते हुए आज जो हमारा संवैधानिक विकास का नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। देखो मित्रों, ये जो 1909 का भारत परिषद अधिनियम है, ये एग्जाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकांश जो क्वेश्चंस होते हैं वो 1909, 1919 और 1935, इन तीन अधिनियमों के अंदर से सर्वाधिक प्रश्न पुटअप होते हैं। तो अपन 1909 का जो अधिनियम है इसकी चर्चा करते हैं। तो 1909 के भारत परिषद अधिनियम को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, और वह है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम, ये इसका दूसरा नाम है। देखो मित्रों, ये मार्लेमेंटो सुधार जो अधिनियम है, इसमें मार्ले और मिंटो ये दो व्यक्ति थे। मार्ले, जिसको अपन लॉर्ड मार्ले भी कह सकते हैं, ये उस समय भारत सचिव के पद पर थे। 1858 में अपन ने बात की थी कि 1858 के अंदर ब्रिटिश सम्राट ने भारतीयों के लिए ब्रिटेन के अंदर लंदन में एक पद का सृजन किया था, और वो भारत सचिव का पद था। तो भारत सचिव का जो पद था, तो भारत सचिव का वो पद है, उस पद पर लॉर्ड मार्ले थे, और जो मिंटो है ये भारत में तत्कालीन वायसराय थे, लॉर्ड मिंटो ये थे उस समय भारत के वायसराय। तो लॉर्ड मिंटो वायसराय और लॉर्ड मार्ले भारत सचिव, तो दोनों ने मिलकर भारत में कुछ व्यवस्थाएं इजाद करने के लिए, कुछ अन्य व्यवस्थाएं बनाने के लिए कुछ सुधार योजना रखी, और ये सुधार योजना जो है, ये सुधार योजना ही उन्होंने ब्रिटिश संसद के अंदर रखी, और ब्रिटिश संसद ने इसको पारित किया, और वो पारित किया हुआ ये सुधार अधिनियम जो है, यही मार्ले मिंटो सुधार, इन दोनों के नाम से ही मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम या 1909 के अंदर ये पारित हुआ था, इसलिए 1909 का भारत परिषद अधिनियम के नाम से जाना गया है। देखो, ये एक सुधार योजना और एक जिसको भारत परिषद अधिनियम भी कहते हैं, ये इस प्रकार से इसका व्याख्या अपन कर सकते हैं। देखिए मित्रों, आगे अपन बात करें कि इस ये सुधार जो योजना है, इसमें प्रावधान क्या थे, इसके अंदर जो महत्वपूर्ण प्रावधान थे उनकी चर्चा करेंगे। तो सुधार योजना के अंदर, इसमें देखो, जो लॉर्ड मिंटो है ये उस समय भारत के वायसराय थे, और इन्होंने भारत के अंदर इस अधिनियम के तहत एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया था। हालांकि वो भारत के लिहाज से तो बहुत अपमानजनक काम था, क्योंकि इसके अंदर जिससे आगे जाकर भारत विभाजन की जो समस्या है वो इसी कारण से आगे आकर आई थी। देखो, चर्चा करते हैं उसकी। ये आप लोग समझ ही गए हो, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम 1909, मार्ले लॉर्ड मार्ले भारत सचिव, और लॉर्ड मिंटो वायसराय।
देखे मित्रों, आगे चर्चा करते हैं इस अधिनियम के जो प्रावधान थे उनकी। इस अधिनियम के प्रावधानों के अंदर पर बात करें तो अधिनियम के प्रावधानों में सबसे पहला प्रावधान तो यही था कि इस अधिनियम के तहत जो केंद्रीय परिषद है, केंद्रीय परिषद और राज्य विधान परिषद, केंद्रीय और राज्य जो विधान परिषद थी इनकी संख्या के अंदर वृद्धि की गई थी, संख्या में वृद्धि की गई थी, संख्या में वृद्धि की गई थी, इनके आकार को बढ़ा दिया गया था। जो केंद्रीय परिषद हैं ये केंद्रीय परिषद के अंदर 16 सदस्य पहले हुआ करते थे, केंद्रीय परिषद 16 सदस्य थे तो 16 सदस्यों को बढ़ाकर इनकी संख्या कितनी कर दी गई, 60 इनकी संख्या कर दी गई। तो केंद्रीय जो विधान परिषद थी केंद्रीय परिषद के आकार में वृद्धि करके सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर और 60 कर दी गई। 16 पहले सदस्य थे 16 और अब कर दिए कितने कर दिए इसमें 60, तो 60 इसकी संख्या कर दी गई। और राज्य जो विधान परिषद है इस राज्य विधान परिषद के अंदर भी अलग अलग प्रांतों के अंदर अलग अलग संख्या इनकी हुआ करती थी तो उसके अंदर भी परिवर्तन किया, मतलब ये एक समान नहीं रही, एक समान नहीं थी, इनकी संख्या के अंदर भी परिवर्तन कर दिया गया था। तो इस प्रकार से पहला प्रावधान इसका यही है कि इस अधिनियम के तहत केंद्रीय परिषदों और राज्य विधान परिषदों की संख्या के अंदर वृद्धि की गई थी, इनके आकार में परिवर्तन किया गया था। केंद्रीय परिषद में जो सदस्य संख्या 16 थी उससे बढ़ाकर 60 कर दिया गया और राज्य परिषद के अंदर सदस्य संख्या है वो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग में अलग अलग थी इसलिए उनकी संख्या भी एक समान नहीं रही, उनके जनसंख्या के हिसाब से इस संख्या के अंदर परिवर्तन किया गया था। तो ये इसका पहला प्रावधान है। उसके बाद में आगे चर्चा करते हैं इसकी। देखिए मित्रों, ये दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण प्रावधान है, इस दूसरे प्रावधान के अंतर्गत बात करें कि इस अधिनियम के तहत जो दोनों प्रकार की जो ये परिषदें थी, दोनों परिषदों के अंदर ये सदस्यों को कुछ अधिकार दिए गए, इसमें जैसे बजट पर बहस करने का अधिकार, प्रश्न पूछने का अधिकार, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, ये अधिकार इसके अंतर्गत दिए गए थे। दोनों परिषदों मतलब केंद्रीय परिषद और राज्य परिषद दोनों की बात कर रहे हैं तो दोनों परिषदों के जो सदस्य थे उनको ये अधिकार, इसमें बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया और उसके जवाब में अनुपूरक प्रश्न या पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, तो ये व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई थी। देखिए मित्रों, इस अधिनियम के अंतर्गत अपन अगली बात देखें तो इस अधिनियम के अंदर जो तीसरी बात है इसमें पहली बार जो वायसराय था, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के अंदर किसी भारतीय को शामिल किया गया था, भारत के इतिहास में पहली बार था। तो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी इस कार्यकारिणी परिषद के अंदर पहली बार किसी भारतीय सदस्य को, कार्यकारिणी परिषद में पहली बार किसी भारतीय सदस्य को, भारतीय सदस्य को शामिल किया गया था। और भारतीय सदस्य की बात करें तो इसमें एस पी सिन्हा कहें तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा नाम था इनका, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को इस जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी इस कार्यकारिणी परिषद के अंदर शामिल किया गया था। पहली बार किसी भारतीय को इस परिषद में शामिल किया गया है और इस परिषद के अंदर जो इस सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया था, ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो हैं इसके अंदर विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया था, विधि सदस्य, इनको विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। इस प्रकार की व्यवस्था इस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। तो देखो,
वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को प्रथम भारतीय के रूप में शामिल किया गया था, जो कि एक विधि सदस्य थे। इसके अलावा आगे चर्चा करें तो इस अधिनियम के अंतर्गत देखिए मित्रों आगे अपन चर्चा करते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रारंभ किया गया। देखिए भारत के अंदर जो मुस्लिम समुदाय था, इस मुस्लिम समुदायों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया, इस पृथक प्रतिनिधित्व का मतलब है कि मुस्लिम समुदाय का कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार से कैंडिडेट बनकर और चुनाव के अंदर खड़ा होता है तो मुस्लिम कैंडिडेट को जो वोट हैं वो केवल मुस्लिम ही करेंगे, केवल मुस्लिम समुदाय के लोग ही करेंगे। कहने का मतलब है अगर मुस्लिम समुदाय से कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता है तो केवल मुस्लिम लोग ही, मुस्लिम समुदाय के लोग ही उसका निर्वाचन करेंगे, अन्य किसी को निर्वाचन करने का अधिकार नहीं रहेगा। तो इस सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रारंभ इस प्रकार से भारत में पहली बार किया गया और मुस्लिम समुदाय को यह अधिकार प्रदान किया गया। तो मित्रों इस प्रकार से भारत के अंदर पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रारंभ किया गया, जो कि मुस्लिम समुदाय को आधार लेकर ये किया गया था। देखो ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है, इस सांप्रदायिक निर्वाचन है, पृथक प्रतिनिधित्व है, ये सारी व्यवस्था जो है ये लॉर्ड मिंटो के दिमाग की उपज थी। ये सारा काम, ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन की बात है, ये इस अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड मिंटो के दिमाग की उपज थी। इसलिए लॉर्ड मिंटो जो है, इस लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिकता का, या यूं कहें सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है, कि लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन या पृथक प्रतिनिधित्व का जनक कहा जाता है, क्योंकि इस अधिनियम के अंदर ये मुस्लिम समुदाय को जो पृथक निर्वाचन दिया गया था, पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया था, इस पृथक प्रतिनिधित्व के अंदर मुख्य भूमिका किसकी थी? लॉर्ड मिंटो की। इसलिए लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है, जनक के रूप में जाना जाता है। तो ये 1909 के अधिनियम के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात थी। देखिए मित्रों ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रारंभ जो यहां से हुआ था, कई जो उस समय राजनीतिक विशेषज्ञ थे उन्होंने इस बात को उसी समय प्रूव कर दिया था और ये कहा भी था उन्होंने कि ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रारंभ अब हुआ है इस अधिनियम में, आगे जाकर भविष्य में जाकर ये भारत विभाजन का काम करेगा। उनका कहना था कि सांप्रदायिक, इस 1909 के अधिनियम के अंदर भारत विभाजन का बीज बो दिया गया है जो आगे जाकर एक बड़े वृक्ष का रूप लेगा और भारत का विभाजन करेगा। और देखो मित्रों आगे अपन ने देख भी लिया इसका परिणाम भी। ये बात उन लोगों ने उसी समय कह दी थी जब ये 1909 का अधिनियम आया था और अपन ने ये बात देख भी ली। 1947 के अंदर भारत आज़ाद भी हुआ और भारत का विभाजन भी हुआ, एक भारत और एक पाकिस्तान के रूप में दो राष्ट्रों का उदय हुआ। तो कहीं ना कहीं अपन माने तो देखो सीधी सी बात यह है कि ये लॉर्ड मिंटो है, ये भारत विभाजन का जो कार्य है वो इसी ने यहीं से प्रारंभ कर दिया था। तो इस प्रकार से मित्रों ये 1909 का भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम है जिसकी अपन चर्चा कर रहे थे। एक बार इसका जो महत्वपूर्ण प्रावधान थे अपन फिर उनकी चर्चा कर लेते हैं। एक तो इसके अंदर अपन ने बात की इसके जो 20 सदस्य हैं, इसके परिषदों के अंदर जो सदस्य हैं, चाहे वो केंद्रीय परिषद हो,
चाहे वो राज्य परिषद हो, दोनों ही परिषद के सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया था। केंद्रीय परिषद में 16 से 60 कर दी थी और राज्य परिषदों की भी ये एक समान नहीं थी, एक समान नहीं थी इस। और दूसरा अपन देखें कि एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद जो सिन्हा है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को जो गवर्नर था जो उस समय वायसराय कहते थे उसको, तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय थे, पहले भारतीय थे, इसके रूप में भी इनको जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये भारत से परिषद अधिनियम 1909 है, ये इसके महत्वपूर्ण प्रावधान थे। देखिए मित्रों, इसके अंतर्गत एक बात ये भी थी कि इस अधिनियम के तहत जो भारतीय सदस्य थे उन सदस्यों को भी राज्य परिषदों के अंतर्गत, राज्य परिषद में जो गैर सरकारी सदस्य थे उनको भी बहुमत की अनुमति दी गई थी। राज्य परिषद के अंदर और राज्य परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत की अनुमति दी गई थी। बहुमत की अनुमति दी गई थी, यह व्यवस्था भी इस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। तो इस प्रकार से मित्रों ये 1909 का भारत परिषद अधिनियम था, जिससे भारत में मतलब दो बातें निकल कर आई थी, एक सांप्रदायिक निर्वाचन और दूसरा भारतीयों की जो ये वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी इसमें भारतीयों की एक प्रकार जो स्थिति थी वो स्पष्ट हो गई थी, भारतीय इसमें शामिल होना शुरू हो गए थे। तो ये व्यवस्था 1902 के भारत परिषद अधिनियम की है। देखो मित्रों आगे चलते हैं, इसके बाद में अपन 1919 के भारत शासन अधिनियम की बात करते हैं। उन्नीस सौ उन्नीस का भारत शासन अधिनियम। देखिए मित्रों ये जो 1919 का भारत शासन अधिनियम है ये अपने आप में भारतीय जो संवैधानिक विकास है, या यूँ कहें कि भारतीयों की भारत के अंदर जो बाद के अंदर जो व्यवस्थाएं लागू की गई हैं उन व्यवस्थाओं के अंदर इस अधिनियम की महत्वपूर्ण भूमिका पाई जाती है, मानी गई है। देखो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है इसको भी हम दूसरे नाम से जानते हैं, यह है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। देखिए दोस्तों कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम या कहें कि 1919 में भारत शासन अधिनियम, ये दोनों एक ही हैं। मॉन्टेग्यू जिसकी बात करते हैं अपन, जो मॉन्टेग्यू है ये उस समय भारत सचिव थे, भारत सचिव कह सकते हैं, भारत मंत्री भी कह सकते हैं। और जो चेम्सफोर्ड हैं ये उस समय भारत के अंदर वायसराय कह सकते हैं इनको, भारत में वायसराय थे या यूं कहें पूर्व नाम में गवर्नर जनरल थे। तो वायसराय चेम्सफोर्ड है वो वायसराय, और जो मॉन्टेग्यू है ये भारत सचिव के पद पर थे। तो यहाँ भी इन दोनों ने मिलकर, मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड इन दोनों ने मिलकर इस प्रकार से एक अधिनियम है वो पारित ब्रिटिश संसद के अंदर करवाया था। देखिए मित्रों ये जो 1919 का अधिनियम है इसके अपन जो मुख्य बात है वो जानते हैं। देखिए 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की कि हमारा मतलब ब्रिटिश सरकार का भारत के अंदर जो मुख्य कार्य है वो है प्रांतीय स्वायत्तता। क्या है? प्रांतीय स्वायत्तता, कि प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान कर दी जाएगी और जो भारत के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को एक प्रकार से भारतीयों के अनुकूल कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है उसकी उन्होंने घोषणा की थी। और ये जो 1917 का जो
इस प्रकार की घोषणा थी। इस घोषणा को ही ब्रिटिश संसद में पारित किया गया। 1919 के अंदर यह अधिनियम ब्रिटिश संसद में पारित हुआ और 1921 के अंदर यह लागू हुआ। 1921 के अंदर यह लागू हुआ। 1919 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, ये 20 अगस्त 1917 को तो घोषणा हुई और 1919 में ब्रिटिश संसद ने इसे पारित किया और 1921 के अंदर यह अधिनियम लागू हुआ। तो इस प्रकार से कि प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान कर जाएगी या भारतीयों को स्वायत्तता प्रदान कर जाएगी, इस प्रकार की व्यवस्था थी। तो उन्होंने इसकी उद्घोषणा के बाद मुख्य काम भारत के अंदर ये है, तो इन्होंने इस प्रकार से करके और भारत शासन अधिनियम पारित करवाया था, जो भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जाना गया था। देखिए मित्रों, ये जो अधिनियम है ये 1921 के अंदर लागू हुआ था, 1919 के अधिनियम ये ब्रिटिश संसद में पारित हुआ था और 20 अगस्त 1917 को इस प्रकार की घोषणा की गई थी। तो इसके जो महत्वपूर्ण जो प्रावधान थे उन प्रावधानों की चर्चा करते हैं। इस अधिनियम की जो महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता थी, उस विशेषताओं की चर्चा करते हैं। तो इसके अंदर अपने बात करते हैं कि इस अधिनियम के तहत सबसे पहले जो प्रांतीय विषय थे, प्रांतीय विषय जो थे उन प्रांतीय विषयों की पहचान की गई, प्रांतीय विषयों की पहचान की गई और पहचान करके उन्हें पृथक कर दिया गया, पृथक कर दिया गया और पृथक करके और प्रांतों को उन अपने विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। देखिए मित्रों, फिर से बात करता हूं मैं कि प्रांतीय जो विषय हैं इनकी पहचान की गई और पहचान करके इनको अलग किया गया, पृथक किया गया और केंद्रीय विषयों से पृथक किया गया और पृथक करने के बाद प्रांतों को इन पर कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया था। तो इसमें सबसे पहली इसकी विशेषता तो ये थी। दूसरी विशेषता की बात करते हैं तो देखो, जो प्रांतीय विषय थे, जो प्रांतीय विषय थे, इन प्रांतीय जो विषय हैं इन प्रांतीय विषयों को दो भागों के अंदर बांट दिया गया, प्रांतीय विषयों को दो भागों के अंदर बांट दिया गया था। प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया, एक हस्तांतरित विषय एक आरक्षित विषय। एक हस्तांतरित विषय और एक आरक्षित विषय। तो प्रांतीय विषयों को दो भागों के अंदर बांट दिया गया, एक हस्तांतरित विषय है और एक आरक्षित विषय है। और देखो मित्रों, पहला है कि प्रांतीय विषयों की पहचान करके इनको अलग कर दिया गया और अलग करने के बाद प्रांतों को यह अधिकार दे दिया गया कि वो अपने विषयों पर कानून बना सकते हैं। पुनः प्रांतीय विषयों की को दो भागों के अंदर बांट दिया गया, एक हस्तांतरित विषय और एक आरक्षित विषय। देखो हस्तांतरित विषय जो थे, हस्तांतरित विषय जो थे इन हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर जनरल का अधिकार था, गवर्नर जनरल का अधिकार था। हस्तांतरित विषयों पर कानून का निर्माण गवर्नर जनरल अपनी कार्यकारी परिषद के सदस्यों की सहमति से करता था, जो केंद्रीय जो विधान परिषद थी उस विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी हुआ करते थे। विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी जो सदस्य हुआ करते थे उन सदस्यों की सहमति से हस्तांतरित विषयों के ऊपर गवर्नर जनरल के द्वारा कानून बनाए जाते थे। तो यह प्रांतीय विषयों के जो हस्तांतरित विषय थे उन हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर जनरल अपने कार्यकारिणी परिषद के अंदर जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी सदस्य थे उन उत्तरदायी सदस्यों की सहायता से कानून बनाता था। जबकि आरक्षित विषयों की बात करें तो आरक्षित विषयों के अंतर्गत इसमें गवर्नर जनरल, यूं कहें तो भारतीय मंत्रियों, भारतीय मंत्रियों की सहायता से, भारतीय मंत्रियों की सहायता से कानून निर्माण करता था।
कानून निर्माण करता था। ये जो भारतीय मंत्री हैं ये परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं हुआ करते थे, जो उत्तरदायी हुआ करते थे वो इसकी परिषद के सदस्य थे, उनकी सहायता हस्तांतरित विषयों के अंदर ली जाती थी, जबकि जो भारत मंत्रियों की सहायता से जो परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं हुआ करते थे तो उनकी सहायता से हस्तांतरित विषयों आरक्षित विषय हैं इन आरक्षित विषयों पर कानून बनाए जाते थे। इस प्रकार से अपन बात करें तो प्रांतीय विषयों को दो भागों के अंदर बांट दिया गया, आरक्षित विषय और आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय हैं गवर्नर जनरल का अधिकार हुआ करता था और वो अपने कार्यकारिणी परिषद के जो उत्तरदायी सदस्य थे उनकी सहायता से कानून बनाता था, जबकि आरक्षित विषय जो हैं इन आरक्षित विषयों पर भारतीय जो मंत्री हैं जो उन मंत्रियों की सहायता से कानून निर्माण किया जाता था। तो इस प्रकार की व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई थी। देखिए मित्रों आगे इसकी बात करते हैं। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वेध शासन का प्रारंभ हुआ। प्रांतों में द्वेध शासन का प्रारंभ हुआ। द्वेध शासन इसे यूनानी भाषा में डाइआर्की कहा जाता है। डाइआर्की यूनानी भाषा में डाइआर्की कहा जाता है। डाइआर्की मतलब द्वेध शासन, दोहरा शासन। तो दोहरा शासन इसके अंतर्गत प्रांतों के अंदर दोहरे शासन को अपनाया गया। दोहरा शासन किस प्रकार से, जैसे अभी अपन ने बात की थी कि प्रांतों के जो विषय हैं उनको दो भागों के अंदर बांट दिया, एक हस्तांतरित और एक आरक्षित। जो आरक्षित और हस्तांतरित विषय हैं इनके ऊपर अलग अलग प्रकार से कानून बनाए जाते थे। इस प्रकार से द्वेध शासन का प्रारंभ प्रांतों के अंदर कर दिया गया था। तो इस अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि प्रांतों में द्वेध शासन का प्रारंभ किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो प्रांतों में द्वेध शासन का प्रारंभ 1919 के भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के आधार पर किया गया था। देखो मित्रों आगे इसके प्रावधान अपन देखते हैं। इस अधिनियम के तहत भारत के लिए ब्रिटेन में एक उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। ब्रिटेन में भारतीयों के लिए एक उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई, मतलब उच्चायुक्त का पद सृजित किया गया। देखो इससे पहले ब्रिटेन के अंदर भारतीयों के लिए ही 1858 के अधिनियम के अंदर भारत मंत्री का पद सृजित किया गया था। तो भारत मंत्री तो था ही, उसके साथ साथ कुछ कार्यों के लिए उच्चायुक्त के पद का भी सृजन किया गया और ये भारतीयों के मामलों के लिए ब्रिटेन के अंदर इस पद की नियुक्ति की गई थी। देखो इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं। इस अधिनियम के तहत भारतीय ईसाइयों आंग्ल भारतीयों यूरोपियों भारतीय ईसाइयों आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों इनको भी सांप्रदायिक निर्वाचन के अंतर्गत शामिल कर दिया गया। 1909 के अधिनियम में अपन ने बात की थी कि सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार कर दिया गया और सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार करके मुस्लिमों को दिया गया था। इसमें उसका विस्तार करके इसके अंदर भारतीय ईसाइयों आंग्ल भारतीयों यूरोपियों और बौद्ध इनको भी शामिल कर दिया गया और एक प्रकार से कहें तो सांप्रदायिकता का विस्तार कर दिया गया इस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार भारत के अंदर महिलाओं को मताधिकार दिया गया।
महिलाओं को मताधिकार, महिलाओं को पहली बार इस अधिनियम के तहत मताधिकार प्रदान किया गया। देखो महिलाओं को इससे पहले मत देने का अधिकार नहीं था, हालांकि महिलाओं को क्या इस अधिनियम से पहले जो मतदान का अधिकार था वो न के बराबर दिया गया था। इस अधिनियम के तहत 1919 का अधिनियम है, इस अधिनियम के तहत जो मताधिकार है उस मताधिकार का थोड़ा सा विस्तार किया गया था। इसमें देखो इसके अंदर जो अंग्रेजों को कर देते थे, जो ब्रिटिश सरकार को कर दिया करते थे उनको, जिनके पास अच्छी संपत्ति हुआ करती थी उनको, और जो उच्च शिक्षित वर्ग था, उच्च शिक्षित वर्ग था उनको ही मतदान का अधिकार दिया गया था, मतदान का अधिकार दिया गया था। देखिए मित्रों, जिनके पास संपत्ति हुआ करती थी, जो ब्रिटिश सरकार को कर दिया करते थे, या जो उच्च शिक्षित वर्ग था, केवल इन्हीं को मतदान का अधिकार दिया गया था, बाकी को मतदान का अधिकार नहीं था। इसलिए इस कैटेगरी में या इसमें या उच्च शिक्षित वर्ग में जो भी महिलाएं शामिल थी उनको भी मताधिकार प्रदान किया गया था। तो इस प्रकार कह सकते हैं हम कि 1919 के अधिनियम के अंदर पहली बार महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था। तो ये मित्रों इसकी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बातें थी। अन्य आई और भी कई इसके प्रावधान हैं जिनकी चर्चा अपन आगे करते हैं। इस अधिनियम के तहत मित्रों पहली बार एक लोक सेवा आयोग के संबंध में प्रावधान किया गया था। और देखो ये लोक सेवा आयोग के संबंध में जो प्रावधान किया गया था, इस प्रावधान के तहत ही 1923 में एक ली आयोग का गठन किया गया था, एक ली कमीशन बना था, ली आयोग का गठन किया गया था। और 1923 के इस ली आयोग की रिकमेंडेशन पर, सिफारिश के ऊपर ही 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन देश के अंदर पहली बार इस 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत ही किया गया था। देखो मित्रों इसमें किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं है कि 1935 का अधिनियम जो अपन आगे पढ़ेंगे इसके अंदर भी पीएससी का गठन किया गया था। लेकिन मित्रों देखो ये जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग है इसका गठन पहली बार 1926 में हुआ था, और 1935 के अधिनियम में अपन आगे चर्चा करेंगे इसमें केंद्रीय लोक सेवा आयोग को ही विभिन्न प्रकार से बांट दिया। इसमें केंद्र के लिए संघ लोक सेवा आयोग बना दिया गया, राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग बना दिया गया, और जो दो राज्य आपस में मिलकर किसी प्रकार का आयोग गठित करना चाहते हैं जो उसको संयुक्त लोक सेवा आयोग का बना दिया गया। तो इस प्रकार से यह व्यवस्था लागू की गई थी, ये 1935 के अधिनियम में गई थी। लेकिन पहली बार लोक सेवा आयोग की बात करें तो वो 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। 1 अक्टूबर 1926 को केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, जो कि 1923 की ली आयोग की सिफारिश पर किया गया था, और इसका प्रावधान किसमें किया गया था, 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। तो देखो मित्रों इसके बाद में आगे अपन चर्चा करें इस अधिनियम के अंतर्गत, इस अधिनियम में और इसके आगे के प्रावधानों की बात करें तो इस प्रावधानों के अंतर्गत एक नरेंद्र मंडल का गठन किया गया था। नरेंद्र मंडल का गठन किया गया था। इसमें देखो जो भारत के जो राजा थे उस समय, उन राजाओं को एकत्रित कर और दिल्ली के अंदर एक नरेंद्र मंडल का गठन किया गया था, उनसे चर्चा करने के लिए इस प्रकार का गठन किया गया था। देखो मित्रों इसके आगे अपन और चर्चा करें तो भारत में पहली बार इस अधिनियम के तहत द्विसदनात्मक विधायिका
द्विसदनात्मक विधायिका की बात कही गई थी। द्विसदनात्मक विधायिका मतलब दो सदनों की विधायिका की बात कही थी। इससे पहले देश के अंदर केवल एक विधान परिषद हुआ करती थी, पहली बार देश के अंदर द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया था। देखो द्विसदनीय जो विधायिका है इसके दो सदन थे, एक राज्य परिषद और एक विधानसभा। एक राज्य परिषद और एक विधानसभा। तो द्विसदनात्मक विधायिका का प्रारंभ पहली बार 1919 के अधिनियम के अंतर्गत ही किया गया था। देखो मित्रों ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि द्विसदनात्मक विधायिका भारत में पहली बार प्रारंभ ही इस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। ये जो द्विसदनात्मक विधायिका का प्रावधान है यह पहली बार इस अधिनियम में किया गया था। उसके बाद में 1935 के अधिनियम में आगे चर्चा करेंगे, उसके अंदर भी 6 प्रांतों के अंदर इसको लागू कर दिया गया था। और बाद के अंदर यह है जो विधायिका के दो सदन हैं यही सदन बाद के अंदर और राज्यसभा और लोकसभा के रूप में आगे जाने जाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा जो जनता का सदन है और राज्यसभा जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार के दो सदनों का जो प्रारंभ है वो पहली बार इसी अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। तो मित्रों ये 1919 के अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जिनकी अपन ने चर्चा की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रावधान आपके अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। आगे अपने एक महत्वपूर्ण जो इसका प्रावधान है उसकी चर्चा करते हैं। देखो दोस्तों ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम है या भारत शासन अधिनियम 1919 है, इस अधिनियम के अंतर्गत एक प्रावधान यह भी किया गया था कि 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की वैधानिकता की जांच करने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। कि 10 वर्ष के बाद में इस अधिनियम की वैधानिकता की जांच करने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। देखो मित्रों ये आयोग किस संबंध में था, ये आयोग इसलिए किया गया था कि इसके अंतर्गत भारतीयों के लिए जो व्यवस्था लागू की गई थी उन व्यवस्थाओं को किस प्रकार से लागू किया गया है या लागू नहीं किया गया है, इन सब की जाँच करने के लिए यह एक आयोग का गठन का प्रावधान अधिनियम के प्रावधानों के साथ साथ ही कर दिया गया था। इसमें कहा गया था कि 10 वर्ष बाद में इस प्रकार का एक आयोग गठन किया जाएगा। तो ये 1919 के अधिनियम की महत्वपूर्ण जो प्रावधान है ये मैंने आपके सामने चर्चा की है। देखो मित्रों ये जो एक आयोग की बात की है, ये आयोग था क्या, ये जो आयोग है एक वैधानिक आयोग की चर्चा की थी। इस वैधानिक आयोग के रूप में आगे अपन बात करें तो 1927 में अक्टूबर नवंबर 1927 के अंदर एक इस प्रकार के आयोग का गठन किया गया था। हालांकि यहाँ 10 वर्ष दिया हुआ है कि 10 वर्ष बाद, लेकिन यहाँ तो 8 वर्ष बाद के अंदर ही इस प्रकार का एक आयोग अक्टूबर नवंबर 1927 के अंदर साइमन कमीशन के रूप में भारत में आया। साइमन कमीशन के रूप में एक आयोग भारत के अंतर्गत आया था। देखो साइमन कमीशन था क्या, इसके अपन बात करते हैं कि जो साइमन कमीशन है, इस साइमन कमीशन 1927 के अंदर ब्रिटिश संसद ने इसको भारत के अंदर भेजा था और तीन फरवरी 1928 को यह अधिनियम भारत में आया था। 3 फरवरी 1928 को भारत में ये अधिनियम आया। इस अधिनियम में देखो मित्रों सर जॉन साइमन, सर जॉन साइमन जो इस अधिनियम के अध्यक्ष थे, तो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता के अंदर एक 7 सदस्य, कुल सदस्य कितनी संख्या थी इसमें 7, कुल 7 सदस्यों का ये आयोग भारत में 3 फरवरी 1928 को यह आया था। तो ये 7 सदस्यों का एक
आयोग भारत में सर जोन साइमन की अध्यक्षता के अंदर भेजा गया था, जिसे साइमन कमीशन के नाम से जाना गया था। लेकिन मित्रों, एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि ये जो सात सदस्य थे, ये सातों सदस्य जो हैं, ये सातों के सातों सदस्य ही भारत के अंतर्गत, ये सातों सदस्य भारत में आए, लेकिन ये सारे सदस्य अंग्रेज थे। ब्रिटिश संसद जो है, उस ब्रिटिश संसद के सांसद थे, ब्रिटिश संसद के मेंबर थे, सांसद थे, तो सारे अंग्रेज सदस्य थे। और भारत में यह है इस अधिनियम की वैधानिकता की जांच करने के लिए आया था, तो वैधानिकता की जांच करने के लिए बाहर से आया था, और सारे के सारे इसमें अंग्रेज सदस्य शामिल थे, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया। और विरोध करते हुए कहा कि साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस चले जाओ। ये इसलिए कहा क्योंकि अरे भाई, अपने घर के अंदर का अपन काम कर रहे हैं, अपने कोई जो व्यवस्थाएं मिल रही हैं उनकी जांच करने के लिए कोई बाहर से व्यक्ति आया है, उसे यहाँ की व्यवस्थाओं का पता नहीं है, यहाँ के जो प्रावधान है, यहाँ के जो भी मतलब अपने ये हिसाब किताब है, उसका कोई पता नहीं है, और वो आकर हमारा अनुमान लगाए, तो वो गलत है। इसलिए हमने इसका विरोध किया, भारतीयों ने इसका विरोध किया, और विरोध करते हुए कहा कि साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस चले जाओ, ये कहकर इसका विरोध किया था। लेकिन अंग्रेज थे, अंग्रेज थे, और ये अंग्रेज तो अपन जानते हैं, ये तो वैसे ही निकम्मे होते हैं, तो ये वापस नहीं गए। और इन्होंने ये जो इस आयोग के अध्यक्ष जो साइमन थे, सर जॉन साइमन थे, उनके अध्यक्षता में इस आयोग के सदस्यों ने भारत में इस जो 1919 का अधिनियम था, उस अधिनियम की वैधानिकता की जांच की, और जांच करने के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट, इस साइमन कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट 1930 में, अपनी रिपोर्ट 1930 में ब्रिटिश सरकार को सौंप दी। रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को सौंप दी। देखो, ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट सौंप दी, रिपोर्ट में था क्या? भारत में राज्यों का विस्तार किया जाए, सांप्रदायिक निर्वाचन जो है, ये सांप्रदायिक निर्वाचन बना रहे, द्वैत शासन ये भी बना रहे, एक भारत संघ का गठन किया जाए, एक भारत संघ का गठन किया जाए, द्वैत शासन बना रहे और सांप्रदायिक निर्वाचन बना रहे, और राज्यों का, भारत में जो प्रांत हैं, राज्य हैं, इन राज्यों का विस्तार किया जाए। इस रिपोर्ट को साइमन कमीशन ने ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया, और ब्रिटिश सरकार ने ये जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी, देखो मित्रों, इस रिपोर्ट के ऊपर चर्चा करने के लिए, ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए तीन गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया। तीन गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया। देखो मित्रों, तीन गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए। ये पहला 1930 में हुआ, दूसरा 1931 में हुआ, और तीसरा 1932 में हुआ। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग किसने लिया था? देखो मित्रों, तीनों गोलमेज सम्मेलनों के अंतर्गत बात करें अपन, तो इसके अंदर ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश सरकार का जो भारत में पदाधिकारी थे, यूं कहें अपन कि भारतीय ब्रिटिश सरकार और देशी रियासतों के प्रतिनिधि, देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि, एक, दो और तीन, इन तीनों को मिलाकर ब्रिटिश सरकार खुद, भारतीय ब्रिटिश सरकार, ऐसे ब्रिटिश सरकार के पदाधिकारी जो भारत में थे, और देशी रियासतें, इन तीनों ने मिलकर गोलमेज सम्मेलनों के अंदर भाग लिया। किस पर चर्चा करने के लिए? इस रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए। और इस रिपोर्ट पर चर्चा करने के बाद 1930 के अंदर पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ लंदन में, दूसरा भी यहीं हुआ और तीसरा भी यहीं हुआ।
तीनों गोल में सम्मिलन हुई है और तीनों गोल में सम्मिलन ने ऐसे एक बात अपन मतलब ये भी देख लें कि इन तीनों गोल में सम्मिलनों में से देखें तो केवल और केवल दूसरे गोल में सम्मिलन ने भारत से कांग्रेस ने इसमें भाग लिया था, पहले गोल में सम्मिलन और तीसरे गोल में सम्मिलन में भारतीयों की तरफ से देखें कांग्रेस की तरफ से देखें तो किसी ने भी भाग नहीं लिया था। हाँ, इसके अंतर्गत देशी रियासतों के कुछ प्रतिनिधि थे उन्होंने इसमें तीनों गोल में सम्मिलन ने भाग लिया था। इसके अलावा मोहम्मद अली जिन्ना हैं, अपने भीमराव जी अम्बेडकर हैं, इन्होंने तीनों गोल में सम्मिलनों के अंदर भाग लिया था। अपन वापस अपनी बात पर आते हैं कि इस साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए तीन गोलमेज सम्मेलन ब्रिटिश सरकार ने आयोजित किए। गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले कौन थे? ब्रिटिश सरकार खुद, भारतीय ब्रिटिश सरकार और देशी रियासतों के प्रतिनिधि, इन तीनों को मिलकर तीन गोलमेज सम्मेलन हुए। और तीनों गोलमेज सम्मेलनों होने के बाद हालांकि असफल रहे थे लेकिन फिर भी इन गोलमेज सम्मेलनों के अंदर जो भी निष्कर्ष निकला है उस निष्कर्ष को एक श्वेत पत्र के रूप में श्वेत पत्र के रूप में 1935 के अधिनियम में शामिल किया गया। तो इस प्रकार से ये जो 1919 का अधिनियम है ये 1919 के अधिनियम को ही आगे जाकर 1935 के अधिनियम उसके कुछ प्रावधान थे, कुछ उसमें जो कमियां थी या साइमन कमीशन ने जो अपने रिपोर्ट में जो बात कही थी उनको ही आगे जाकर 1935 के अधिनियम के अंदर शामिल किया गया था। तो इस प्रकार से ये एक श्वेत पत्र के रूप में इस तीनों गोलमेज सम्मेलनों के निष्कर्ष को अपन लोगों ने लिया है। और इस प्रकार से 1935 का जो अधिनियम है कुछ प्रावधान तो इनके निष्कर्ष के रूप में थे, कुछ अन्य प्रावधान जो ब्रिटिश सरकार ने इसमें शामिल किए थे तो शामिल करके और ब्रिटिश संसद के अंदर इस प्रकार से एक विस्तारित एक लंबा एक बड़ा एक विस्तृत अभिलेख ब्रिटिश संसद में पारित किया गया था। और यह अधिनियम जो है यह अधिनियम ही 1935 का भारत शासन अधिनियम कहलाया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर ही ये सारी व्यवस्थाओं को लागू किया गया था। तो ये 1919 का यह अधिनियम है, इसकी ज़्यादा पढ़ने चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ मित्रों कि आपके अच्छी तरह से आपके समझ में आया होगा। और इसकी चर्चा जो पढ़ने की है 1909 के अधिनियम की, 1919 के अधिनियम की, दोनों अधिनियमों को और अच्छी तरीके से हम बार बार वीडियो को चलाकर देखेंगे तो ये अपना जो भी इनके प्रावधान हैं वो प्रावधान अपने को आसानी से याद हो सकते हैं, याद हो सकते हैं क्या याद हो ही जाएंगे, ये मैं उम्मीद आप लोगों से करता हूँ। इस प्रकार से ये अपना 1919 का अधिनियम है ये पूरा हुआ है और उसके बाद में अपन आगे चर्चा करेंगे 1935 के अधिनियम की। देखो मित्रों 1935 के अधिनियम के अंतर्गत देखें 1935 के अधिनियम को आगे जाकर जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत आज़ाद होने के बाद भारत का संविधान बना तो संविधान के अंदर उसको शामिल उसमें किया गया था, इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। आज के लिए इतना ही है, तो समय भी काफ़ी हो गया है और इसके आधार पर मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो श्री द्रोणाचार्य क्लासेस का यूट्यूब वीडियो है ये जिसमें हम लोग सब प्रयास कर रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं, इसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ इसको दें ताकि हम लोगों का इसी प्रकार से हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए समक्ष ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा जो कंटेंट है वो पेश कर सकें। थैंक यू मित्रों, धन्यवाद।